इसी साइंसदानों ने खाने काबा के अंदर एक दरवाजा ढूंढ निकाला। अल्लाह अकबर। जायरीन ने जब ये सुना तो भगदड़ मच गई, क्योंकि इस दरवाजे से कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसे देखकर लोग अपने हवास पर काबू न रख सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खाने काबा में जब से गैर मुल्की लोगों का दाखिला शुरू हुआ है, तभी इस ताक में बैठे अमरीकी साइंसदान भी ऐसे मौके तलाश करने में लगे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो किसी न किसी तरह खाने काबा के अंदर रसाई हासिल कर सकें। ऐसे बहुत से मौजजात हैं जिनको साइंस भी माने बगैर न रह सकी। इससे पहले एक साइंसदानों की टीम हजरा असद पर जाँच करने आई थी, जबकि इस बार साइंस ने खाने काबा के अंदर ऐसी खोज कर डाली जिसे सुनकर मुसलमानों के होश उड़ गए। इससे पहले कि हम आपको ये दिल दहला देने वाला वाकया बताना शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। जी तो नाजरीन, जदीद साइंस के तहत की जाने वाली तमाम पैमाइशों और पैमानों के मुताबिक खाने काबा बिला शको शुबा जमीन का मरकज है। ये वो मकाम है जो जमीन के बिल्कुल बीच में वाक़े है। जमीन के दरमियान का मकाम होने की वजह से कुदरती तौर पर जमीन की तमाम कशिश सकल का मरकज भी यही मकाम है, और यही वो खासियत है जो इसे दूसरे मकामात से मुनफरिद बनाती है। जमीन की कशिश सकल का मरकज होने की वजह से यहाँ शदीद मकनतीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज का परवाज करना नामुमकिन है। अगर आप अपने हाथ में मकनतीस का टुकड़ा लें तो आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल दरमियान में कोई चीज नहीं चिपक सकती। मकनतीसी कशिश के असर से वो शय हवा में झूलती हुई मकनतीस के दाएं या बाएं तरफ चिपक जाएगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला खाने काबा के ऊपर भी लागू होता है। मरकजी मकाम और मकनतीसी कशिश की शिद्दत होने के सबब ये नामुमकिन है कि कोई तैयारा, हत्ता के परिंदा भी खाने काबा के ऐन ऊपर परवाज कर सके। अलबत्ता खाने काबा के इर्द गिर्द लातादाद परिंदे परवाज करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ हम आपको एक और हैरत अंगेज मालूमात देते चलें कि खाने काबा से जो रोशनी निकलती है वो आसमानों और खलाओं का सीना चीर कर बिना किसी रुकावट के सीधा सातवें आसमान तक जा पहुँचती है, जहाँ बैतुल मामूर वाक़े है। कुरान शरीफ के मुताबिक बैतुल मामूर फरिश्तों का खाने काबा है, और हर रोज 70,000 फरिश्ते इस काबे का तवाफ करते हैं। जमीन पर बनाया गया खाने काबा इसी काबे की तर्ज पर बनाया गया है जिसका हुक्म खुदा ने दिया था। जी तो दोस्तों, ये सारी मालूमात जहाँ साइंस ने हमें बताई, वहीं साइंसदानों का तजस्सुस मजीद बढ़ता ही चला जा रहा है। वो चाहते थे कि किसी तरह वो खाने काबा के अंदर दाखिल होकर देख सकें, क्योंकि उनके मुताबिक जब खाने काबा जमीन के ऐन बीच में वाक़े है तो होना हो इसमें जरूर एक पोशीदा सुरंग या दरवाजा लाजमी होगा, जिस पर अगर तहकीक करके दरवाजा खोला जाए और तहकीकती टीम को इसमें दाखिल करके भेजा जाए तो इस बात का सुराग लगाया जा सकता है कि जमीन की तहों के बीच क्या मौजूद है। बिलाशुबा वो ये काम जमीन को खोद कर दूसरे इलाकों में भी कर सकते थे, मगर इनका कहना था कि साइंसी तालीम के मुताबिक कशिश सकल होने की वजह से जहाँ खाने काबा मौजूद है उसके नीचे खला है, ऐसा खला के जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है। अगर इस खला में जाकर तहकीक की जाए तो हैरत अंगेज मालूमात मिल सकती हैं। ये बात आज की नहीं बल्कि कई सालों पुरानी है। जब से सऊदी शहजादे ने अपना तख्त संभाला है, तब से ही अमरीकी साइंसदान बारहा अपने ताल्लुकात सऊदी शहजादे से बेहतर करने के चक्करों में हैं, ताकि किसी तरह वो खाने काबा के करीब जा सकें, वो मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकें और फिर एक दौरे की ही सूरत में खाने काबा में जा सकें। मगर खुशकिस्मती से इतने सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। मगर जैसे जैसे सऊदी हुकूमत ने उसूलों में तब्दीलियाँ की है तो अब गैर मुल्कियों को भी सऊदी अरब में दाखिल होने की इजाजत मिल चुकी है। वो लोग बगैर किसी रोक टोक के मक्का और मदीना में जा सकते हैं। जब ये खबर आम हुई तो अमरीकी साइंसदान खुशी से फूले ना समाए। उन्होंने फौरन सऊदी अरब में कदम रखा और फिर हुकूमत से ये अपील करने लगे कि जैसा आपने हमें खाने काबा के बारे में इतना जानने की इजाजत दी, हमें हजरा अस्वद के बारे में तहकीक करने का इजाजत नामा दिया गया, ठीक वैसे ही हमें खाने काबा के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाए। हम आपके मुकद्दस मकामात की कोई बेहरमती नहीं करेंगे, बस जाकर वो खुफिया दरवाजा देखेंगे जिसमें वो पुरसरार खला मौजूद है, ताकि हमें खबर हो सके कि आखिर जमीन के ऐन बीच में क्या मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने फौरन अमरीकी साइंसदानों को इजाजत दे दी। वो लोग अपनी पूरी टीम लिए मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। उनके पास ऑफिशियल नोटिस था जिसमें हुकूमत की तरफ से उन्हें इजाजत दी गई थी कि वो खाने काबा के अंदर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। जिस वक्त वो अमरीकी साइंसदान खाने काबा के हरम शरीफ में पहुंचे तो उस वक्त वहाँ पर हजारों की तादाद में जायरीन मौजूद थे जो अपनी अपनी इबादत में मसरूफ थे। कोई कुरान शरीफ की तलावत कर रहा था तो कोई खाने काबा का तवाफ कर रहा था, कोई नमाज पढ़ रहा था तो कोई यूं ही अपनी हाजात लिए खुदा की बार गांव में रो रहा था।
इन हजारों की तादाद में वो अमरीकी साइंसदान जब हरम शरीफ में दाखिल हुए तो लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखने लगे। वो तो बिल्कुल भी सऊदी साइंसदान नहीं लगते थे। साफ जाहिर था कि वो अंग्रेज हैं और गैर मुस्लिम हैं। जैसे जैसे वो खाने काबा के करीब जा रहे थे तो फौरन ये खबर भी आम होने लगी कि ये अमरीकी साइंसदान है, ये लोग खाने काबा की बेहरमती करने आए हैं, नऊज़ बिल्ला खाने काबा की खुदाई करना चाहते हैं और इसमें से कुछ कीमती सामान निकालना चाहते हैं। मुख्तसर ये कि जितने मुंह थे उतनी ही अफवाहें उड़ने लगी। मगर जब लोगों ने ये सुना तो फौरन खुद्दाम को बताया, पुलिस को खबर देने का कहा और हुकूमत से अपील करना चाहिए, मगर सबके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि उन्हें हुकूमत की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल थी। लोग ये सुनकर बिफर गए और एक सीसा पलाई दीवार बनकर खाने काबा के आगे खड़े हो गए और बुलंद आवाज में लब्बा एक अल्लाह हुमा लब्बा एक पढ़ने लगे और कहने लगे कि खबरदार, तुम गैर मजहब गैर मुस्लिम लोग खाने काबा को छू भी नहीं सकते, तुम लोगों को खाने काबा के करीब फटकने भी नहीं देंगे, तुम लोगों के वजूद नजिस हैं। वो लोग बाकायदा नोटिस दिखाने लगे और कहने लगे कि हम हुकूमत से नोट लेकर आए हैं। मगर सारे जारीन डट चुके थे, एक हंगामा सा बरपा हो चुका था। वो कहने लगे कि हम तुम्हें खाने काबा की दीवारों को हाथ तक नहीं लगाने देंगे, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, ये हमारी इबादतगाह है, हमारा बैतुल्ला है, कोई मजाक नहीं जो तुम लोग इस पर रिसर्च शुरू कर दोगे। लोग सीसा पिलाई दीवार बन चुके थे। इन लोगों ने कोई भी मुतालबा ना माना और यही दरख्वास्त की कि इन अमरीकी साइंसदानों को वापस भेजा जाए। अगर हुकूमत ने इन गैर मुस्लिमों को सऊदीया में दाखिल होने की इजाजत दी है तो बराह करम इन्हें मुकद्दस मकामात से दूर रखा जाए। यूं सभी जायरीन ने मिलकर उस वक्त तो इन लोगों को खाने काबा को हाथ तक लगाने से बचा लिया था, जबकि वो लोग अभी भी इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह वो जिस रोज जायरीन की तादाद कम हो तो एक दफा खाने काबा के अंदर जाकर जरूर देखें कि आखिर जमीन के अंदर मौजूद क्या है। नाजरीन, हुकूमत तो बदल सकती है मगर जाहिर इनका कीदा नहीं। वो हरगिज ऐसा करने की इजाजत सऊदी हुकूमत और अमरीकी साइंसदानों को नहीं देंगे। रूह जमीन पर सबसे मोहतरम मुकद्दस और बाअज़मत मकाम खाना काबा है। इसमें मकाम इब्राहिम और अल्लाह इज्जत जल की निशानियां हैं। कुरान करीम में अल्लाह इज्जत जल का इरशाद गिरामी है, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो लोगों के लिए मुतबर्रिक जगह है और सारे जहां वालों की हिदायत का मकाम है। और अल्लाह इज्जत जल का ये भी इरशाद गिरामी है, बनाया है अल्लाह ने काबा को जो हुरमत वाला घर है, कायम रहने का बाइस लोगों के लिए और हुरमत वाले महीनों को और कुर्बानी को और पट्टे वाले जानवरों को, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इसके अलावा भी बेशुमार आयतें हैं जो खाने काबा की अजमत को बयान करती हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खाने काबा जिस अल्लाह इज्जुजल ने बैत मामूर से पहले जमीन पर बसाया है, बक्का इसलिए ताबीर किया गया है कि जो मस्जिद हराम और बैतुल्ला खाने काबा में वाक़े है। बक्का मस्जिद हराम को कहते हैं, ये बक्का से मुश्तक है जिसके मानी अजदहाम के हैं, चूंकि यहाँ लोगों की हरदम भीड़ और अजदहाम हुआ करता है इसलिए इसको बक्का कहते हैं। कतादा कहते हैं, बैतुल्ला को बक्का से इसलिए ताबीर किया गया कि यहाँ मर्द औरत सब यकसां बैतुल्ला का तवाफ करते हैं, यकजा नमाज पढ़ते हैं, ये सिर्फ खाने काबा में दुरुस्त है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी खाने काबा का हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।